आतंकवादी यासीन भटकल 5 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था, अचानक वो कैसे चढ़ गया पुलिस के हत्थे, आइए हम आपको बताते हैं भटकल की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी। लश्कर ए तैयबा के बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा ने सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में कई अहम मोबाइल नंबरों की जानकारी दी थी। इन नंबरों को सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार अपने सर्विलेंस पर रखा हुआ था। इनमें से कुछ नंबर्स तो बंद हो गए थे, लेकिन कुछ नंबर्स कुछ दिनों के बाद थोड़े समय के लिए एक्टिव हुए। जब ये नंबर एक्टिव हुए तो सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाने वाली जानकारी मिली। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि इनमें से कई ऐसे नंबरों से बात की जा रही है जो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के आसपास के बॉर्डर्स के हैं। यहीं से पहली बार यासीन भटकल के बारे में पुख्ता जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि यासीन भटकल नेपाल भारत और नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास कहीं छुपा बैठा है। जब इन चालू नंबरों को और ज्यादा सर्विलांस पर रखा गया तो यह पता चला कि यासीन भटकल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। करीब एक सप्ताह तक सुरक्षा एजेंसियों ने यासीन भटकल के इस लोकेशन के आसपास काफी ज्यादा अपनी फील्डिंग लगाई और आखिरकार यासीन भटकल को भारत नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ लिया गया। शुरुआत में यासीन भटकल ने काफी आनाकानी की, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि ये यासीन भटकल ही है। आतंकी यासीन भटकल के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। देश में 2008 के बाद हुए करीब 12 धमाकों का मास्टरमाइंड भटकल को बताया जाता है। इन धमाकों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली से मुंबई तक, अहमदाबाद से पुणे तक, सूरत से वाराणसी तक, देश के बड़े बड़े शहरों के सीने पर यासीन भटकल के दिए हुए आतंकवाद के जख्म हैं। भटकल पर आरोप है कि उसने 10 बड़े शहरों में तबाही की साजिश को अंजाम दिया, सीरियल ब्लास्ट करवाए, बेकसूरों का खून बहाया। अब इन सब के हिसाब का वक्त आ गया है। आइए हम आपको साल दर साल और शहर दर शहर बताते हैं कि यासीन भटकल ने किस तरह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। 2008 में यासीन भटकल ने इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना की और इसी साल उसने देश के 3-3 बड़े शहरों को दहला दिया। अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली में धमाकों के पीछे भटकल का ही हाथ माना जाता है। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए ब्लास्ट में 80 बेगुनाह मारे गए। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई। जयपुर में धमाके के 2 महीने बाद यासीन भटकल ने दिल्ली में ब्लास्ट की साजिश रची। 13 सितंबर 2008 को राजधानी में सीरियल धमाके हुए। करौलबाग, खनौट प्लेस और ग्रेटर कैलाश इलाके में एक के बाद एक बम फटे, 30 मासूमों की जान चली गई। ये सबसे बड़ी सफलता है रीसेंट टाइम्स में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रेनिंग और क्रिएटिंग और सीक्रेट सेल्स टेररिस्ट आतंकवादी के, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ, उसका मास्टरमाइंड यासीन भटकल ही था। यह तस्वीर भटकल की साजिश का एक बड़ा सबूत है। सीसीटीवी की इस तस्वीर में भटकल जर्मन बेकरी के अंदर नजर आ रहा है, उसकी पीठ पर एक बैग लटक रहा है। जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई थी। जर्मन बेकरी ब्लास्ट को अंजाम देने वाले इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद देश की सभी जांच एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। हम अभी है जर्मन बेकरी के पास। यहाँ पर इसी बेकरी में 13 फरवरी 2010 के दिन खुद यासीन भटकल ने ब्लास्ट करवाया था। खुद यहाँ पर उसने बम रखा था और उसका साथ दिया था हिमायत बेग ने। दोनों यहाँ पर आए थे 13 फरवरी 2010 के दिन और यहाँ पर ही यासीन ने बम रखकर यहाँ पर बम विस्फोट किया था और इसमें 17 लोगों की जान गई थी तो 60 लोग घायल हुए थे। यासीन भटकल पर आरोप है कि उसने सूरत को भी दहलाने की साजिश रची। 2010 में सूरत में 18 बम प्लांट किए। भटकल की गिरफ्तारी को सूरत पुलिस बड़ी सफलता बता रही है। सूरत में यासीन भटकल का रोल ये था कि उसने यहाँ का जो लोकल अक्यूज है तनवीर करके, उसके साथ मिलकर शुरू में रेकी किया था। ये जो पूरी प्लांट बम प्लांट करने की जो कंस्पिरेसी थी, गुनाह था, उसमें उसका रोल एक महत्वपूर्ण रोल था। 17 अप्रैल 2010 को बेंगलोर के मशहूर चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में 2 बम धमाके हुए, 15 लोग जख्मी हो गए। बेंगलोर के बाद यासीन भटकल के टारगेट पर आई मुंबई। 13 जुलाई 2011 को मुंबई के
ओपेरा हाउस झावेरी बाजार में सीरियल ब्लास्ट हुए, 27 लोगों की मौत हो गई, 130 जख्मी हुए। इंडियन मुजाहिदीन के मास्टरमाइंड यासीन भटकल की गिरफ्तारी से कर्नाटक पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर 17 अप्रैल 2010 को बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। करीब 8 बॉम्ब इस स्टेडियम के चारों तरफ प्लांट किए गए थे जब यहाँ पर IPL का मैच चल रहा था। 2 बॉम्ब यहाँ पर फटे भी थे, करीब 15 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। ये जो मेन गेट है चिन्नास्वामी स्टेडियम का, इसके बिल्कुल बगल में एक बस स्टॉप भी है, बस स्टॉप पर भी एक जिंदा बम मिला था। इसी तरह बनारस के दशाश्वेत घाट पर हुए धमाके के पीछे भी भटकल का हाथ बताया जाता है। 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर एक के बाद एक 4 धमाके हुए। 21 मार्च 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए 2 सीरियल ब्लास्ट, 17 लोगों की जान चली गई, 119 जख्मी हो गए। इन धमाकों का मास्टरमाइंड भी यासीन भटकल ही माना जाता है। हैदराबाद के जहां तक ट्विन ब्लास्ट हैं, उनके अंदर जो विजुअल प्रोफाइल मिली है उसके हिसाब से भी यही सस्पेक्ट किया जा रहा है कि यासीन भटकल और ये असदुल्ला अख्तर दोनों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन केस क्योंकि NIA के पास में है और अब NIA की टीम वहाँ जा कर के फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको एग्जामिन करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एक टीम वहाँ भेजी जाएगी जो कि फर्दर डिटेल्स पता करे। हाल ही में हुए बोध गया सीरियल ब्लास्ट को लेकर भी यासीन भटकल के संगठन इंडियन मुजाहिदीन पर ही शक जताया जाता है।